हेलो एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा डॉट कॉम गाइज, दिस इज मोनिका एंड आई एम बैक विद अनदर टॉपिक ऑफ रीट इंग्लिश। आई होप आपके एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और आप लोग बहुत ध्यान दे के पढ़ाई कर रहे होंगे। सी रीट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक को ध्यान से इक्वल टाइम दे के पढ़ाई करें। वेन इट कम्स टू इंग्लिश, आप एक एक वीडियो देखते जाइए और उस टॉपिक को कवर करते जाइए और अपने डाउट्स उस हिसाब से सॉल्व करते जाइए। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश तो बहुत ही इजी हो जाएगा, एज इट इज़ ज़्यादा टफ नहीं आता है, राइट? तो एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, आप लोग इन लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, आपके दो लैंग्वेजेस हैं, आपने कोई भी चूज़ किया है उसमें यूजुअली सिमिलर टॉपिक्स ही आते हैं, थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो जाता है। ओके तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज नरेशन। ठीक है, नरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे के पढ़ाई करनी होगी। ओके नरेशन, व्हाट इज नरेशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? ठीक है, नरेशन बेसिकली क्या मतलब हुआ? हाउ टू स्पीक, राइट? हाउ टू स्पीक, हाउ टू नरेट समथिंग, कुछ बताना। ठीक है, नरेशन बेसिकली मीन्स टू टेल समथिंग, टू नरेट समथिंग, कुछ बताना किसी को। ठीक है, जब भी हम, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी को कुछ बता रहे होते हैं, यू नो वी आर टेलिंग समवन समथिंग, तो हम दो तरीके से उसको बता रहे होते हैं। ठीक है, या तो हम उसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट, अपने वर्ड्स में बोलते हैं, या फिर हम एज इट इज जिसके बारे में बता रहे होते हैं, जो जिसने जो बात कही होती है, जिससे बता रहे होते हैं, उसी इंसान की भाषा में एज इट इज बोल देते हैं, विदाउट एनी ओन इंटरप्रिटेशन या कोई ओन बात जोड़े हुए। तो ये दो तरीके होते हैं नरेशन के, ये दो तरीके होते हैं बातों को तीसरे इंसान को बताने के। ठीक है, इसको हम नरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस दैट वी हैव इन इंग्लिश। ठीक है, दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने कहा, इसको एज इट इज बता दिया, जैसे आपने सुना, बिना कोई वर्ड चेंज करे एज इट इज बता दिया, दिस इज अपनी लैंग्वेज में बताया। ठीक है, अपना वर्ड्स डाल के अपनी भाषा में अपने इंटरप्रिटेशन से बताया, दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इम्पोर्टेंट हेयर इज कि आप जो दोनों ही स्पीचेस जब यूज कर रहे हो, इनमें आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, मीनिंग हैज टू रिमेन द सेम, मीनिंग सेम रहता है। ओके, जस्ट वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है। ठीक है, एज इट इज बता देना या फिर अपने शब्द डालकर किसी को कुछ बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। इन लैंग्वेज कोटिंग समवंस वर्ड विदाउट एनी पर्सनल एडिशन और ऑल्टरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने कहा, एज इट इज बता देना, बिना अपने कोई शब्द डाले, अपना कोई इंटरप्रिटेशन डाले। इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर यूजेस वर्ड टू वर्ड ऑफ द पर्सन दे आर कोटिंग। वर्ड टू वर्ड यूज करना होता है, दे आर कोटिंग दैट पर्सन। कोटिंग, कोटिंग का मतलब क्या होता है? एज इट इज बोलना। ठीक है, यू आर कोटिंग दैट पर्सन, जैसा उसने कहा वैसा ही आप बोल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई एम अ बिट नर्वस। ठीक है, आई एम अ बिट नर्वस कर दिया आपने, आपसे किसी ने कहा, ही सेज, किसी भी लड़के ने आपसे कहा ही इज अ बिट नर्वस, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वर्ड्स यू आर सिंपली सेइंग आई एम अ बिट नर्वस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है देखने की, दैट इज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, दीज आर कोटेशन मार्क्स, दीज आर कॉल्ड योर कोटेशन मार्क्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे होंगे, तब हम ये जरूर लगाते हैं इन राइटिंग स्पेशली। ठीक है, वेन एवर वी आर राइटिंग इन डायरेक्ट स्पीच वील यूज दीज। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में ये लगे हुए हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोटेशन मार्क, देन दैट सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, मतलब जैसा सुना वैसा ही कह दिया विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? यहाँ पर भी क्या होता है, हम सेम बात बता रहे हैं, वी आर टेलिंग द सेम थिंग लेकिन अपनी भाषा में। ठीक है, वी आर नॉट कोटिंग दैट पर्सन, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट ही इज अ बिट नर्वस। ठीक है, उसने बोला आई एम अ बिट नर्वस, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग आई एम अ बिट नर्वस एज इट इज, हमने क्या बोल कर दिया, ही इज अ बिट नर्वस। हम अपने तरीके से बता रहे हैं।
ठीक है, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस बिकम्स योर सिंपल स्टेटमेंट, वेर एज दैट वॉज योर डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. सी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच. वाई इज इट कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच? क्योंकि यहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हो वॉट यू हर्ड, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो अपनी भाषा में. यू आर नॉट कोटिंग समवन, यू आर रिपोर्टिंग इट एज यू हर्ड इट. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. यूजली जब आप न्यूज पेपर्स वगैरह करते हो तो आप सुनते हो ना, वहाँ पर यूजली कोच ने लिखे होते हैं, उन्होंने यह कहा कि उनको यह समझ आया करके लिखा होता है, राइट? सो ही सेड दैट दिस विल बी द वे वी विल प्रोसीड इन द फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो अपने वर्ड्स में लिखा होता है, द एडिटर और द राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल वुड बी राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स. दे ऑफन यूज कोट्स ऑल्सो, बट देन दिल मार्क दोज इन डबल इनवर्टेड कॉमर्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, सम की टर्म्स आर देयर दैट यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर वी आर स्टडिंग नरेशन. ओके, दैट आर यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. ये ही सेज वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योर रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड योर रिपोर्टिंग स्पीच. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज क्लोज इन इन्वर्टेड कॉमर्स और कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे बता रहे, दैट इज रिपोर्टेड. दिस इज रिपोर्टिंग, दिस इज रिपोर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, एंड दिस इज योर रिपोर्टेड वर्ब. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब, जिस वर्ब से आप बता रहे हो दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि उसे यूज करके आप रिपोर्ट कर रहे हो. इट इज यूजली वर्ड्स लाइक सेज, said, asked, told, ठीक है, all these words. ठीक है, दूसरा होता है जो सेंटेंस का वर्ब है, ठीक है, इट कैन बी एनी थिंग, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी एनी थिंग, उस वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आपको याद कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. रूल्स ऑफ कन्वर्जन, हम बात करें जब हम इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वाइस वर्सा ऑल्सो, तो हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट लेट्स चेक द प्रोनाउंस. ओके, व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजेस टेक प्लेस इन द पर्सन ऑफ द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग मैनर. जो आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है, प्रोनाउन जो सेंटेंस में आपका प्रोनाउन होगा, दैट इज सेंटेंस जो आप बता रहे हो, जिसको आप बता रहे हो डायरेक्ट स्पीच में, उसमें आपका जो प्रोनाउन होगा उसमें आपके चेंजेस आएंगे. ठीक है, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब आपके सेंटेंस के प्रोनाउन में चेंजेस आएंगे. व्हाट आर दोज चेंजेस? लेट्स हैव अ लुक. ओके, लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिव्या सेड, लेट्स से I am not coming. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा? दिव्या. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? एंड दिस इज आर सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच ये है हमारा. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच. तो इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, राइट? तो व्हाट विल इट बिकम? दिव्या सेड एज इट इज आ जाएगा हमारा, आगे आएगा दैट I, pay attention to this I, ठीक है, दिव्या है सब्जेक्ट. I will become change according to दिव्या, since दिव्या is a girl, it will become she, ठीक है, is not coming. Understood? दिव्या said that she is not coming. ऐसे आपका change हो गया. तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिव्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला प्रोनाउन जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन यूज हुआ है वो चेंज होगा. ठीक है, दिव्या फीमेल है, गर्ल है, इसलिए इट विल बिकम शी. अगर यहाँ पे मेल होता इट विल बिकम ही. ठीक है, अकॉर्डिंगली चेंज होगा. अगर ये प्लूरल होता तो वी, अस, व्हाटएवर. ठीक है,
ऐसे हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिव्या सेड टू मी, अब द सब्जेक्ट हियर इज दिव्या एंड ऑब्जेक्ट इज मी, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन हियर, ओके। यहाँ पर लेट्स से दिव्या सेड टू मी यू लुक स्लीपी, ओके, दिस इज आवर सेंटेंस। अब इसके बेसिस पे हमारा ये वाला प्रोनाउन चेंज होगा, सेट टू मी है, ठीक है। सो दिस सेंटेंस विल बिकम दिव्या सेट टू मी एज इट इज दैट, इसके बेसिस पे चेंज हो रहा है, बिकम्स आई लुक स्लीपी, अंडरस्टूड। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ मुझसे दिव्या ने क्या कहा, ठीक है। तो जब भी मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बात करूंगी तो वो हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मी की जगह लेट से द वर्ड वॉज अमित, ठीक है, दिव्या सेट टू अमित यू लुक स्लीपी, तो इट विल बिकम दिव्या सेट टू अमित दैट ही, इट विल बिकम ही लुक्ड स्लीपी, ओके। सो दिस इज हाउ वी चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के बेस पे चेंज होता है, वेर एज अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के बेस पे चेंज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो, ठीक है, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो लेट्स हैव अ लुक, दिव्या सेड शी वॉज लेट, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसको चेंज करेंगे तो दिव्या सेड दैट शी वॉज लेट, ठीक है, एज इट इज हमारा शी का शी आ गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में देर आर नो चेंजेस। सो दीज आर चेंजेस बेस्ड ऑन द प्रोनाउंस, ठीक है, दैट हैपन व्हाइल वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं वर्ब्स के। वर्ब्स के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हमारे सेंटेंसेस में आते हैं, टेंसेस के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट विल हैव अ लुक एट, ओके। While changing direct speech into indirect speech, there are some major changes that occur in the tenses of the sentence. ठीक है? अब अगर हमारा जो reporting speech है ना, this वाला part, let's have a look. Reporting speech की बात कर रही हूँ मैं, not this, okay? I'm talking about this. अगर ये हमारा present, past, future किसी भी tense में है तो हमारा ये वर्ब किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। मैरी सेज दैट शी इज इल, ठीक है, दोनों में ही पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ हमारा ये एम की जगह इज हो गया है बेस्ड ऑन द प्रोनाउन, ओके। कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं बेस्ड ऑन दिस, ओके, दिस शुड बी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है, सेंटेंस कहाँ से जज करेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस में है, फ्रॉम हेयर, ओके। सो सिंपल पास्ट टेंस में है, द क्लास सेड दे डू एक्सरसाइज एवरी डे विल बिकम द क्लास सेड दैट दे डिड एक्सरसाइज एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर सेड है तो, प्लीज रिमेंबर दैट, तो हमारा जो ये वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है, इफ दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, इजी इनफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेड है, यहाँ पर अगर पास्ट टेंस लगा है, तो ये वाला पार्ट जो है
सिंपल प्रेजेंट अगर होगा तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. दे डू एक्सरसाइज एवरी डे विल बिकम द क्लास सेड दैट दे डिड एक्सरसाइज एवरी डे. ओके, डू का डिड हो गया. नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, इफ दिस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इफ दैट इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इट विल चेंज इन टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. द क्लास सेड दे आर डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे विल बिकम द क्लास सेड दैट दे वर डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे. ठीक है, यहाँ पे चेंज आ गया, आर का वर हो गया, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इजी इनफ. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा ये वाला पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दे हैव डन एक्सरसाइज, द क्लास सेड दे हैव डन एक्सरसाइज विल बिकम द क्लास सेड दैट दे हैड डन एक्सरसाइज. प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो पार्ट है इट विल चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस. यूजली आपके जो चेंजेस है यूजली आपके ऑक्सिलरीज में ही आ रहे हैं, तो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है योर रिपोर्टेड स्पीच, देन इट विल बिकम चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो द क्लास सेड दे हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग विल बिकम द क्लास सेड दैट दे हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. ठीक है, इजी इनफ. लेट्स मूव ऑन. सिंपल पास्ट में अगर हमारा सेंटेंस है, ठीक है, अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस देखा, लेट्स हैव अ लुक एट पास्ट टेंस ऑल्सो. दे डिड एक्सरसाइज विल चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, दिस इज हाउ वी पुट इट. तो हम चेंज कर देंगे, द क्लास सेड दैट दे हैड डन एक्सरसाइज. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. तो दे वर डूइंग एक्सरसाइज, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस विल बिकम दे हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज. इजी इनफ, राइट. लेट्स मूव ऑन. नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो हम कोई भी चेंज उसमें नहीं लाते हैं. वी राइट इज एज इट इज. हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे, दैट इज इट एंड वील सिंपली मूव ऑन. ओके, डायरेक्ट स्पीच, दे सेड दे हैड डन एक्सरसाइज विल बिकम दे सेड दैट दे हैड डन एक्सरसाइज. नोटिस इन ऑल दी सेंटेंस वी आर पुटिंग दैट. ठीक है, क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा दैट आना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, कुछ सेंटेंसेज में हम नहीं भी लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यूजली लगता है. ठीक है, विल हैव अ लुक एट किन सेंटेंसेज में हम दैट नहीं लगाते हैं. इन फ्यूचर टेंस वाइल नो चेंजेस आर मेड एक्सेप्ट शैल एंड विल आर चेंज इन टू वुड. ठीक है, शैल और विल आपके चेंज हो जाते हैं इन टू वुड और कोई चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर सेंटेंसेज दे विल डू एक्सरसाइज, इट विल बिकम द क्लास सेड दैट दे वुड डू एक्सरसाइज. ओके, सो विल का वुड हो गया. सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर फॉर ऑल द यू नो मोडल्स ऑल्सो, लाइक कैन का कुड भी हो जाता है. कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा. दिस इज हाउ वी प्रोसीड. ओके, आगे बढ़ते हैं. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हम चेंज कर जाते हैं वाइल वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, दिस विल बिकम दैट. मैरी सेज शी वॉन्ट्स टू बाय दिस बुक. मैरी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बाय दैट बुक. ठीक है, दीज का दोस्त हो जाता है. हेयर का देयर, नाउ का देन, सर मैडम का रिस्पेक्टफुली हो जाता है. टुडे का बिकम्स दैट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड डे, जो भी आपका ग्रीटिंग होगा दैट विल बिकम ग्रीटेड. सो दैट इज हाउ वी चेंज दीज वर्ड्स. ओके, प्लीज हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो एंड इट वुड बी
वेरी हेल्पफुल फॉर योर पीपल. ओके सो आगे बढ़ते हैं गाइज. आई होप इतना अभी तक आपका क्लियर चल रहा है जो भी हमने चेंजेस करे हैं. आई नो वी आर बी गोइंग अ बिट क्विक, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा हर एक पेज पे, तो हम आपको समझ आएगा कि छोटे छोटे कन्वर्जन चेंजेस होते हैं, रूल्स हैं जो आपको याद रखना है, और ज़्यादा है भी नहीं इसमें. ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल चार्ट. ठीक है, टेंसेस के चेंज के लिए, तो अगर आपको वैसे नहीं याद रखना है, जस्ट पेस्ट दिस इन योर हेड. ओके, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर विल बिकम वुड प्लस बेस प्लस इन्फिनेटिव, कैन कुड हैव टू हैड टू इम्पेरेटिव टू इन्फिनेटिव. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ओके, दिस इज अ सिंपल चार्ट जो आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कॉपी करके. ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब अपना थोड़ा सा रिवाइंड करिए दिमाग एंड गो टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू गाइज हैव स्टडीड. दैट इज समथिंग. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके, सो वी हैव स्टडीड फोर बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. योर declarative sentence, your imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Then we also have a small category called optative sentence. तो जब भी हम इन सारे types के sentences को direct to indirect में change करेंगे, then we need to follow some conversion rules. Okay? What are these? Let's have a look. A sentence which declares or announces an idea. Declarative sentence, ठीक है, it is a plain stating statement. तो आपको जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में इनको चेंज कर रहे होते हो, तो आपको यहाँ पर सेज, सेड या फिर टोल्ड यूज करना होता है. बाकी सारे जो भी चेंजेस आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन योर टेंसेज एंड प्रोनाउंस एंड द स्पेशल वर्ड्स दैट वी डिड. ओके, बस यहाँ पर जब भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे होगे तो says, said या told आता है. ठीक है, this is very important to remember. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. imperative sentences में यहाँ पर थोड़ा सा difference आ जाता है. यहाँ पर ये said हट जाएगा और जो भी वो imperative sentence करने को कह रहा है, what is an imperative sentence, क्या देता है, command, order, right, advice, right, और अ रिक्वेस्ट. ठीक है, दिस इज, दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंस. यही फंक्शन है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस के. तो जो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कर रहा है, कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वही आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा. ठीक है, द टीचर सेड टू मी, लेट्स हैव अ लुक, शट द डोर. ठीक है, क्या दिया, कमांड दिया, ऑर्डर दिया, राइट, तो इट विल बिकम द टीचर ऑर्डर्ड मी to shut the door. यहाँ पर आपका preposition लग जाता है to. Got it? Easy enough? आगे बढ़ते हैं. Mike said to me shut the door. Mike requested me to shut the door. Teacher है, hierarchy है, level up है. She'll give an order. Mike is a friend. Mike will request you. ठीक है? For example, if I request my friend, please get me a glass of water. So he or she can say, she said to me, या फिर she requested me to get her a glass of water. Easy enough? So यहाँ पे देखिए, Ron said to me, you should work hard to pass the exam. Ron advised me that I should work hard to pass the exam. ठीक है, कोई changes नहीं है imperative sentences में, सिर्फ ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये चार words आपको याद रखने हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपका जो है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होगा. दैट इज इट. ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, इफ यू गाइस रिमेंबर, आर क्वेश्चंस. ठीक है, सेंटेंसेस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, तो जब भी हम इनको चेंज करते हैं, इनका टाइप ही चेंज हो जाता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, दे विल बिकम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कुछ बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि इसने मुझसे ये पूछा, राइट.
अब किसी ने तुमसे जो सवाल पूछा उसको तुम किसी और को बता रहे हो। दे आर नो मोर आस्किंग अ क्वेश्चन, दे आर टेलिंग समथिंग। इसलिए इनका टाइप ही चेंज हो जाता है। दे नो मोर रिमेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दे बिकम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसलिए आप जब भी डायरेक्ट स्पीच से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, यू विल एंड देम विद अ फुल स्टॉप। ओके, इजी इनफ। लेट्स हैव अ लुक। टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, वी शुड फॉलो द बिलो मेंशन रूल। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड विल बिकम आस्ट। ठीक है, क्योंकि पूछा होता है। ठीक है, आप बता रहे हो कि इसने मुझसे ये पूछा था, आस्ट। या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, दैट इज क्वेश्चन्ड। ठीक है, नॉट एवरीवेयर, समवेयर यू कैन यूज इट। ओके, लेट्स हैव अ लुक। विक्टोरिया सेड टू मी, वाई आर यू लेट? इट्स अ क्वेश्चन, राइट? इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। विक्टोरिया आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट। ठीक है, अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये रिमेन सेम इतना, वाई वॉज आई लेट। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। आप ऑक्सिलरी को शिफ्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट से पहले, दोनों ही सेंटेंसेस आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, देर इज नो एरर इन देम। ठीक है, बट आई वुड एडवाइज कि आप ऑक्सिलरी को बाद में रखें, बिकॉज आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, इजी इनफ। लेट्स मूव ऑन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिवाइंड करिए अपने हेड को, क्या करते हैं? वी एक्सक्लेम समथिंग, राइट? वी पास अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगा, दैट वुड बी सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सेड हाय हाउ लकी आई एम, कोई खुशी से बोलेगा, राइट? आई सेड इन ग्रेट वंडरमेंट। ठीक है, आई सेड इन ग्रेट वंडर दैट आई वॉज वेरी लकी। अब यहाँ पे सेड की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, हाउ और वॉट अगर यूज हो रहे हैं तो वेरी में चेंज हो जाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में हाउ और वॉट यूज हो रहे हैं तो वो वेरी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो हाउ और वॉट से, यू आर सिंपली शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो वेरी में या फिर टू में चेंज हो जाता है। ओके, इजी इनफ। अगेन, दिस ऑल्सो चेंजेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका क्या बन जाता है? डिक्लेरेटिव। यहाँ पे भी आपका सेंटेंस टाइप चेंज हो रहा है और इट विल एंड इन अ फुल स्टॉप। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस छोटा सा टाइप है, अगर आप लोगों को याद होगा सेंटेंसेस जब आपने पढ़े होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आर यूज टू यू नो विश समथिंग। ठीक है, जब भी आप किसी को कुछ विश कर रहे होते हो, या कोई प्रेयर कर रहे होते हो, या ब्लेसिंग दे रहे होते हो, लाइक एग्जाम्पल, व्हेन वी से गॉड ब्लेस यू, दैट्स एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो सेम चीज यहाँ पर आ जाती है आपकी, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है वो आपके सेंटेंस के फंक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आप प्रे कर रहे हैं तो इट विल बिकम प्रेड, ब्लेस कर रहे हैं तो ब्लेस्ड, विश कर रहे हैं तो विश्ड। ठीक है, ये आपके चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, नथिंग एल्स। बाकी सारे चेंजेस जो आएंगे प्रोनाउंस और उसके बेसिस पे ही आएंगे। हाँ, आपका ये हट जाता है, मे हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग हट जाएगा, मे हट जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। आपके चेंजेस जो है सारे आपको समझ आ गए हो, इन वेरी वेरी डिटेल वी हैव डन देम। और आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो दे विल बिकम वेरी वेरी इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम सैम्पल क्वेश्चंस। रीट के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चंस है, लेट्स हैव अ लुक एट देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द फादर सेड टू हिज डॉटर, व्हेन विल यू रिटर्न? अब पहले तो आप यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ठीक है, दैट इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट?
कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहाँ पर है आपका सेड, तो हम चेंज करेंगे, राइट। हाउ विल वी चेंज? द फादर आस्क्ड हिज डॉटर, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है, हमें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर? व्हेन शी वुड रिटर्न, व्हेन वुड शी रिटर्न? सी क्वेश्चन मार्क है, व्हेन वुड शी रिटर्न विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट, ओके। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, बी पोलाइट इन योर स्पीच, इम्पेरेटिव सेंटेंस, प्लीज आइडेंटिफाई दिस, ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू बी पोलाइट इन देयर स्पीच, द फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई नेबर सेड टू मी आई एम गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टेंस कौन सा है आपका? आई एम गोइंग आउट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो माई नेबर टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, ही इज गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, ही विल गो आउट फॉर अ फ्यू डेज, वी आर गोइंग आउट फॉर अ डेज। माई नेबर टोल्ड मी दैट ही वॉज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, राइट, है ना। तो दिस इज योर आंसर, ए इज योर आंसर, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ऑलवेज आइडेंटिफाई कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड देन इट विल बिकम वेरी मच इजियर फॉर यू पीपल। मोहन आस्क्ड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्वेश्चन, राइट, इंटरोगेटिव। मोहन आस्क्ड सविता इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, इफ दे कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, दैट कुड ही बोरो हर बुक फॉर अ डे, राइट, इफ दैट ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। तो यहाँ पर कैन लगा है, तो इट विल बिकम इफ, ठीक है, इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, कंडीशन अप्लाई कर दी हमने इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड का ही सेट कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो इस सेंटेंस को हमें पूरा चेंज करना है, बाकी में हमें हिंट दिया हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। ही आस्क्ड कविता देन दैट व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, ही आस्क्ड टू कविता व्हेन वॉज द नेक्स्ट ट्रेन, ही आस्क्ड टू कविता दैट व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, ठीक है, इजी इनफ। द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, एडवाइज है, इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ठीक है, दिया हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी, क्या होगा आंसर? डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, दैट डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, या टू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर, ठीक है। सी भी आपका हो सकता था, बट एज आई सेड पहले आप टू लगा के सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आपको ना जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ढूंढना होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको दो सही लग रहे हैं, देन लुक एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म, ओके। आई होप दिस वॉज ईजियर फॉर यू पीपल, ठीक है। सो दिस वॉज आर नरेशन क्लास, आई होप आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझ आ चुका हो, ठीक है। अभी तक हमने आई थिंक 4 क्लासेस कर लिए हैं रीट के, राइट, दिस वॉज आर फोर्थ क्लास, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर साउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कुछ समझ आया हो, और आपके प्रेपरेशंस जो चल रहे हैं उसमें ये बहुत बहुत हेल्पफुल साबित हो। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हो सकते हैं तो आप लोग हमारे वीडियोज पे कॉमेंट्स करके डाल दीजिए, एंड आई ट्राई एंड एड्रेस देम एज वेल, ठीक है। सी गाइज, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, तो आप एक फ्लो में करिए। सी आज हमने नरेशन किया, तो ट्राई एंड सॉल्व एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ नरेशन, ओके, जो प्रीवियस ईयर आपके आ चुके हैं उनको उठाइए एंड ट्राई टू सॉल्व देम। आपने देखा बहुत इजी आए हैं, इतने टफ नहीं आए, कोई बड़े बड़े हैवी सेंटेंसेस नहीं आए हैं विद 2-3 सब्जेक्ट्स, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, और आधा आपको क्वेश्चन में ही दिया भी होता है, सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.